छोटी रचना जो है ये प्रकट कर रहा हूँ, जिन रचनाओं ने मुझे छू लिया, मेरा हृदय छू लिया, रोम रोम में बस गई जो रचना। मेरा नम्र भाव ये है कि जिसका अनुभव मैं करता आया हूँ, ये अनुभव मैं आपके हृदय तक पहुँचा सकूँ, इसकी मधुरता, इसकी सुंदरता। जो रचनाएं हैं, पहली तीन रचना इस तरह से है। पहली रचना है जिसे कहते हैं शास्त्र में तराना, भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं तराना। तराना का आध्यात्मिक रूप इस तरह से है नृत्य शास्त्र में। एक तो ये परमात्मा के साथ जिसे हम कहें संवाद है, और विज्ञान ऐसा है कि आप देखोगे ये प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर देखते रहना है कि अभी कितने विचार चल रहे हैं। जब हम शांत बैठे हैं तो सच में शांत है या भीतर विचार का कोलाहल है। तो जो विचार का कोलाहल है उसको संगीत के माध्यम में इस तरह से साफ किया जाता है। तराना एक प्रक्रिया है गाने की, जिसमें अर्थपूर्ण गायन नहीं है, लेकिन ये तराना जो है वो अंतर्मौन को प्रगाट करने की प्रक्रिया है। इसी तरह से नृत्य में जो परम शक्ति है, पराशक्ति है, इसके साथ संवाद है एक। दूसरा, इस तराना का उपयोग आह्वान में होता है। जो गांधर्व लोक के जीव है उसको निमंत्रित किया जाता है पृथ्वी पर, जहाँ पर हम ये महोत्सव प्रकट करते हैं। गांधर्व लोक अर्थात ऐसा समझो उत्सव और उत्साह का मार्गदर्शन। तो इसे पहले आमंत्रित किया जाता है कि आप आओ, हमारे उत्सव को और प्रगाढ़ करो, और इस पृथ्वी पर महोत्सव छाता जाए प्रत्येक दिन, ये पृथ्वी की सुंदरता बढ़ती जाए, हम मनुष्य के बीच प्रेम भी बढ़ता जाए और हमारा उत्साह भी बढ़ता जाए जीवन जीने का, और उत्सव छाता रहे। तो ये इस तरह का आमंत्रण है। और तीसरी प्रक्रिया होती है वो पूरी समष्टि के साथ कथक नृत्य का। आप देखोगे तो दसों दिशा, मुख्य दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, और अधोगामी दिशा धरती माता की ओर, ऊर्ध्वगामी दिशा आकाश की ओर। इस तरह से 200 दिशा में ये नृत्य बहता है और ये संपर्क है। नृत्य कहाँ से प्रारंभ होता है, कौन सी दिशा से प्रारंभ होता है, किस तरह से प्रारंभ होता है, कहाँ पर अंत होता है, किस दिशा में अंत होता है नृत्य का, ये सब का सूक्ष्म असर नृत्य के प्रागट्य पर रहता है। ये इसका आध्यात्मिक विज्ञान है जो धीरे धीरे मैं आपके समक्ष खोलता जा रहा हूँ। तो आज की जो पहली रचना है वो है तराना, जिसका पवित्र राग हमीर। दूसरी रचना है हमीर राग की, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। सही राग हमीर, जो प्रथम तराना है आर डी बर्मन का कंपोजिशन, वन ऑफ द एक्सेलेंट तराना, जो आप सुनते रहे ऐसा तराना आपको कहीं मिलेगा नहीं, हमीर राग का जो कंपोजिशन है पूरा का पूरा। और ये जो रचना है मधुबन में राधिका नाचे रे, एक कविता भी और इसका कंपोजिशन भी हमीर राग का, मेरी दृष्टि से ये दोनों सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन। तीसरी जो रचना है मीराबाई का पद है, और मीरा को प्रकट कर किया है इसमें, चित नंदन आगे नाचूंगी, चित नंदन आगे नाचूंगी। इसका पवित्र राग जौनपुरी। जो प्रथम रचना है तराना, इसमें दो पवित्र ताल है, एक ताल तीन ताल, सुनते रहे। अगर आपको पता नहीं चलता कोई जरूरी नहीं कि ये इन्फॉर्मेटिव बात आप पता लगाए, केवल सुने मुझे। प्रथम रचना के दो पवित्र ताल, एक ताल अंत होता है तीन ताल से। दूसरी पवित्र रचना मधुबन में राधिका तीन ताल, और तीसरी रचना जौनपुरी राग में तीन ताल। इस तरह से तीन रचना मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। समथिंग अबाउट श्रृंगार, श्रृंगार का जो विज्ञान है, जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों का श्रृंगार है, इसके मैं रहस्य कहता हूँ। श्रृंगार जब ये नृत्य प्रकट होता है सूर्य की हाजिरी में, जो मैं जिसका मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम, इतना ही इसका अर्थ है कि सर्व नृत्य शास्त्र
से आप परिचित होने चाहिए, ये प्रकट होना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है कि सर्व नृत्य शास्त्रों से आप परिचित होने चाहिए। इसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जो भारत में प्रकट हुई वो प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। ये प्रातःकाल में सूर्य की उपस्थिति में इसे प्रकट किया जाता है या संध्या समय जब सूर्य विदा लेता है तब इस नृत्य को प्रकट किया जाता है। और प्रकृति के बीच धरती माता की गोद और ऊपर अनंत आकाश, वृक्षों की उपस्थिति, प्राणी पंछी की उपस्थिति, ये इसका आदर्श स्थान जिसमें इसको प्रकट किया जाता है। इसके साथ जो श्रृंगार जुड़ता है इसे कहा जाता है गांधर्व लोक का श्रृंगार, गांधर्व का श्रृंगार। जब श्रृंगार में सफ़ेद रंग या काला रंग उपयोग होता है इसका विज्ञान है। ये श्रृंगार जुड़ता है चंद्र शक्ति के साथ। पूर्णिमा का रंग जिस तरह से सफ़ेद है इस तरह से सफ़ेद रंग धारण किया जाता है या काला रंग, लेकिन दोनों का जो विज्ञान है वो है चंद्र शक्ति के साथ संपर्क बनाना। वैसे भी साहित्य संगीत और कला है इसका संबंध चंद्र के साथ, चंद्र शक्ति के साथ। आज का जो श्रृंगार है और ये श्रृंगार अर्पण करने का भी विज्ञान है। जैसे कि आज का जो श्रृंगार है वो कुल यहाँ पर 7 रचनाएं हैं, सब रचना का अपना श्रृंगार है, सब रचना, हर एक रचना स्पेसिफिक रचना है, लेकिन ये तो प्रकट करने के लिए 7 रचना एक साथ प्रकट करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्पेसिफिक श्रृंगार है। जैसे कि ये श्रृंगार है इसका 3 नृत्य की जो प्रागट्य है इसके साथ संबंधित है ये श्रृंगार। एक जौनपुरी राग में मीराबाई की रचना चितनंदन आगे नाचूंगी, ये श्रृंगार इसके साथ संबंधित। दूसरा जो मारवा राग में कंपोजिशन है नृत्य का, पायलिया बांगरी बाजे, इसका श्रृंगार, इसका रंग सफेद। जैसे मारवा है संध्या समय के राग, सोनी है, पुरिया कल्याण है, पुरिया धनाश्री है, संध्या समय के राग, इसका श्रृंगार रहता है सफेद गोल्डन या सफेद सिल्वर। और जो अंतिम रचना है राग चंद्रकोंस तराना, लता मंगेशकर का ये तराना चंद्रकोंस अर्थात पूर्णिमा का राग, चंद्र के साथ संबंधित राग, इसके साथ भी जुड़ा हुआ जो श्रृंगार है जो मैंने धारण किया हुआ है। तो 3 रचना का साथ संबंधित ये श्रृंगार है। जैसे कि मधुबन में राधिका, ये इसका ये श्रृंगार नहीं है, मैं ये भी बताता हूँ। इसलिए ये 7 दिन का प्रयोग है, अलग अलग रूप से अलग आयाम से मैं आपके समक्ष रचनाएं प्रकट कर रहा हूँ। ये श्रृंगार है अर्पण कर रहे हमारी ओर से मीराबाई की याद में, मीराबाई के चरणों में।